best ISO? Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing it. बेसिकली हम अभी सुंदरनगर पहुंच गए हैं और अभी भी हमारे से मैप दिखा रहा है 3 घंटे 56 मिनट दूर हमारी डेस्टिनेशन जो कि है मनाली। तो 3.5 घंटे के आसपास हमारा सफर बचा हुआ है और बहुत अच्छे से हमने कोऑर्डिनेट किया। अब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप लोग जैसे आते हैं जो लोग इतनी दूर, अगर आपको वन गो में पूरा सफर करना तो हाँ गाड़ी में 2 से ज्यादा ड्राइवर होने चाहिए जो स्विच करते रहे और हमने दबा के गाड़ी चलाई है ना, कहीं नहीं रुके। वैसे ड्राइवर की वो बात है, गाड़ी सबसे ज्यादा मैंने चलाई पर व्लॉग शूट नहीं हुआ उस टाइम, और ऐसी ऐसी जगह चलाई जहाँ सुई के नक्के मुंह निकालनी थी गाड़ी। और अभी हम गुजर रहे हैं IIT मंडी से, बहुत शानदार, पता नहीं है मुझे कमेंट में बताना है कब बना, मुझे तो ऐसा लग रहा है काफी नया नया ही बना, मैं सुनार देखा पहली बार है। खतरनाक ही है रास्ते, इधर रोड़ियां थी पत्थर और उधर बुलडोजर, एडवेंचर अभी से शुरू हो गया। यार मुझे छुट्टी नहीं मिली, मैं कैसे जाऊंगा, यही फेंक दो ये सब लैपटॉप को, क्या करेगा यार, डेंजरस रास्ते हैं बॉस। यहाँ तो जोटे बुग्गी पे हुआ होता ये दुनिया को रास्ता देती, जोटे बुग्गी पे मजा आ जाता, आते तो कई दिनों में कई दिनों में जोटा जहाँ भी अफर जाता वही बैठ ले करते अपना, अफर जाता मतलब जहाँ भी जोटे के मूड स्विंग्स आ जाते। मैं कह रहा था कि यार हमें ना इजू 4x4 ट्रक ले लेना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा अगर तू लेवे तो। वैसे मैं बता दूं तुम्हें, अगर तुम्हें कभी कोई बहुत तगड़ी सरप्राइज वीडियो प्लान करनी हो ना मेरे लिए, तो तुम मुझे होंडा सिविक गिफ्ट करके कर सको। सुन तो मैं फैमिली से ही कह रहा, अगर कभी तुम मुझे कोई सरप्राइज देना चाहो तो मुझे डोनेशन दे दियो गाड़ी के लिए, और मुझे होंडा सिविक मतलब ZX मॉडल पेट्रोल। कोई तो हमारी फैमिली में इतना अमीर और इतना प्यार करने वाला होगा जो हमें गाड़ी गिफ्ट कर देगा, कोई तो होगा जरूर। अभी मैं OLX पे देख रहा था, मतलब होंडा सिविक के प्राइसेस 19.5 लाख की थी, 9000 किलोमीटर चली थी वो गाड़ी, क्योंकि नहीं तो बंद होगी, और वो टॉप मॉडल था। तो मैं लिंक अगर लोग कहेंगे तो शेयर मार दूंगा, मतलब किसी के पास फालतू आ रहा हो, बिल्कुल फालतू हो कि फेंक नहीं उसे पैसे कहीं तो वो फेंक है ना। खैर फिलहाल तो यार ये दिखाओ, वीली मार दस गाड़ी से। अरे ऐसा सोच है एस्पोल्टेट की तरह नाइट्रो है यहाँ पे, कोने कोने पे नाइट्रो भी लगता, चल 20 तो ऊपर में चल नहीं रहा, 20 की स्पीड पे गिरेगी नीचे, तो कितनी पे चलाऊं, 20 से 100 हो जाएगी वो खाई में गिरते गिरते। खाई देख रहे क्या, 180 फीट है नीचे, 2000 फीट। अभी बज रहे हैं शाम के 5, चौथी बार पेट्रोल डलवा रहे हैं वापस। कितने किलोमीटर की रेंज दिखा रहा, 24 घंटे में चौथी बार 75। मैं तो पर ये सोच रहा था यार, मतलब एक चीज देखो कि मतलब कितनी बढ़िया लोकेशन पे पेट्रोल पंप है। हम तो भैया गोलगप्पे खाने रुके, गोलगप्पे वाला पानी ले चला गया, एक एक अपने आप ही चख ले गया। ये व्यू देखो क्या ना, ये देखना तो बनता है दोस्तों। पहाड़ों पे भी बहुत धक्के खा चुके हैं, लेकिन ये तो अनरियल ही लग रहा है यार देखते ही। इन्होंने जीवा रखा है, इन्होंने ही जीवा रखा। हाँ। और अपने ट्रैवल करने के एक्सपीरियंस एक चीज बताऊंगा कि जितना ज्यादा लिक्विड कंज्यूम कर सको उतना बढ़िया है, कि आपको फालतू की टट्टी नहीं लगेगी मतलब पेट नहीं खराब होगा बिना मतलब का ना, आप जितना लिक्विड पी सको उतना लिक्विड पियो, जूस वगैरह। अक्षित कितने चिप्स खाओगे मुझे ये बता एक बार, फिर निकाल ले भी तो। सुबह से 4 पैकेट खा चुका चिप्स के, और तुम्हें पता फिर क्या हो रहा गाड़ी में, मैं तुम्हें दिखाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग पहाड़ दिखाने में हूँ। Conscious, ISO, diamond, back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels, yeah, she be riding on. वो बाढ़ दी भाई लैंप में, लैंप कर ले जा रहा था चुरा के। हाँ, भीषण ही एक्सीडेंट हुआ लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कर दिया मालिक का नुकसान। मारा नगर दे इधर आ जा, वो भाई
ये लेने भेजा था, अगर इन्हें देख लगा तो चिल्ला होगा पूरी तरह। तो होटल भी हम लोगों ने ले लिया है और ये होटल वही है जिसमें मैं आज से 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तब मैं एक ट्रिप पे आया था तब रुका था। अभी पुरानी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। इस होटल में मैंने पहली बार व्लॉग बनाया था, मतलब अपनी लाइफ का पहला व्लॉग मैंने इसी होटल से शुरू करा था और इस लिफ्ट में भी शूट कर रखा था, मेन चैनल पर डाला था, इस लिफ्ट में भी शूट कर रखा। ये रूम भी मुझे तभी की याद दिला रहा थोड़ा थोड़ा। वैसे वो रूम इससे अपोजिट तरह था, मतलब शायद वो साइड वाला रूम था और बाहर का कुछ नजारा हमारे वाले रूम से ऐसा है और बहुत बढ़िया है। लेकिन तो कल हम लोगों को यहाँ से आगे जाना है और उसके लिए चाहिए कि हमें बाइक, क्योंकि हम लोग गाड़ी यहीं छोड़ के जाएंगे क्योंकि गाड़ी एक तो बहुत ओवरलोड हो जाती है और हमारे पास दूसरी कोई गाड़ी नहीं है। अगर आगे जाके कहीं गाड़ी अटक गई तो निकलेगी नहीं और यहाँ पे बहुत दूर दूर तक जहाँ पे भी हमारा प्लान है जाने का, ऑब्वियसली लेह लद्दाख, वहाँ पे बहुत दूर दूर तक आपको मैकेनिक नहीं मिलते, आपको रिपेयरिंग सेंटर नहीं मिलते। तो गाड़ी हम यहीं छोड़ देंगे, बाइक रेंट करेंगे। हमने अपने एक यूट्यूबर दोस्त के थ्रू बाइक रेंट वाले से एक से बात की है, उन्हीं के हम गाड़ी पार्क करके जाएंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर में हम मनाली मोल रोड पे ही उनका ऑफिस है, वहीं जा रहे हैं एक बार बाइक वाइक चेक कर लें कौन सी चाहिए हमें कौन सी नहीं चाहिए। और पहले मैं नहा लूँ, ये शर्ट मेरे चिपक गई होगी भाई, ये मैं निकाल दूँ। तो भाई अभी शावर लेके आया मैं और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था शावर से बाहर आने का, इतना बढ़िया हॉट शावर था, लेकिन मेरी नींद भी उतरी पूरी और मैं पूरा फ्रेश हो गया। तो मैं बता दे रहा थोड़ा सा कि हमें नोएडा से आने में पूरे 15-16 घंटे लगे हमें आने में, ठीक है। हमने पूरी रात ड्राइव किया और हम शाम को 5:30 बजे पहुंचे एग्जैक्टली, और हम सारे उन रूट से आए जहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक जाम नहीं मिला। हम मतलब जो वो वाला है ना, एक कॉमन मनाली वाला रूट है, उससे नहीं आए थे, हमारे कुल्लू वाले रूट से ना, मंडी से कुल्लू नहीं, कुल्लू तो सारे ही रास्ते आते हैं बट मंडी और कुल्लू के बीच में 2 रास्ते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें एक एक लंबा आईआईटी मंडी वाला जो है ना, हाँ, आईआईटी मंडी वाले रास्ते से आए हैं। वो खराब तो है, मतलब वो खराब ऐसा है पर वर्थ इट है वो आना। उसके बाद ये प्रॉपर्टी में पहले भी रहा था तो बस यही नाम याद आया, हमने सर्च किया, होटल बुक कर लिया, जबकि अक्षित मेरे बुक करते अक्षित 2 मिनट बाद ही उतर के गया। उस पर पूछा रिसेप्शन पे कितने में 2 रूम, उसने कहा 6,000 में, और मैं 6,000 की रूम तो बुक करे लेकिन गो आई वो 1500 रूपए टैक्स दे चुके थे तब तक चौधरी साहब, तो हमें 1500 रूपए टैक्स की वो गुफी में अगर गए। जो काम कोई और कर देता ना ट्रिप पे, यही कहूंगा कभी भी प्री बुक मत करना जब आप हिल्स पे आ रहे हो, अंटिल एंड अनलेस आप एकदम रश वाले दिन आ रहे हो उस दिन, तब तो सैटरडे संडे और वीकेंड या लॉन्ग वीकेंड पे तो जरूर ही बुक करके आए। और मैं रूम दिखा दे रहा, मतलब वही टिपिकल 3-स्टार रूम जो होते हैं। हाँ, ये बेड हो गया जहाँ पे मैं और बालियान रात में अकेला अकेला खेल लेंगे, और ये है हमारा सामान, इसको तो इग्नोर करो। ये वॉशरूम है जिसमें बस गर्म पानी चाहिए और क्या चाहिए आदमी को, ये वॉशरूम है, ये रहा वो वाला रूम, दिखा दूं मैं एक बार भाई, चप्पल भी नहीं पहननी भाई, गंवर बॉयज, इनका रूम है ये, ये टीवी, ये वॉशरूम जहाँ पे मध्यम मध्यम आदमी नंगा नहाता हुआ दिखाई दे जाता है, ये बेड और ये बैठने के लिए। ब्रो हम निकले हैं रात की पैर पे, यहाँ पे थोड़ी और यहाँ पे लग गया जाम, गोवा वाली फीलिंग आ रही, कैलंगूट वाली नहीं, गोवा ही है ये, सर्दियों का गोवा है ये, ठंडा गोवा है थोड़ा भाई। यहाँ की मोल रोड मैंने कभी जाम फ्री भी नहीं देखी। बस प्लेट उठ गई तो आपका सफर वही खत्म है, वहाँ से बाइक पे लोड होके जाएगी अगर स्टेशन पे, तो ठीक है। तो बस प्लेट का ध्यान रखना, जब बाइक नहीं खींच रही है वहाँ पिलियन उतर जाए बाइक से, एक बात बहुत ध्यान से सुना, जहाँ बाइक नहीं खींच रही है वहाँ पिलियन पीछे वाला जो है बाइक से उतर जाए, और जो राइडर है वो धीरे धीरे करके बाइक निकाले। पता मेरे साथ क्या किया, मुझे एक नया राइडिंग गियर खरीदने को बोल दिया, मेरा खर्चा करा दिया खुद इधर से, तो हमें तो भैया ने अरेंज करा दिया राइडिंग गियर, मतलब हमारे बचा दिए पैसे। आप ऐसे करो जो आपके पास नया वाला यहां छोड़, हमारे साथ भी पुराना ले जाओ। तो नहीं सच में भैया ने हमें बहुत गाइड किया, और अगर कोई भी मनाली से आगे की ट्रिप करना चाहता है, मनाली में स्टे करना चाहता है और किसी को भी किसी व्हीकल की जरूरत है ऑन रेंट, तो भैया से कांटेक्ट कर लेना, सारी डिटेल हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और कोई भी पेड प्रमोशन ऐसा कुछ नहीं है कि भैया ने हमें जबरदस्ती बोला है कि भाई अच्छे से पॉजिटिव रिव्यू दो। देखो यार, देखो आप पहले अपना राइड कंप्लीट करके आओ उसके बाद ही डालना है ना, अगर आप खुश हो तो डालो। नहीं हम तो आपसे इंप्रेस हो गए, स्पीच से इंप्रेस, मतलब लेह के बारे में जो गाइड कराना भैया ने, मतलब हर कोई डरा ही रहा था कि लेह की राइड के लिए, क्योंकि हमने बहुत सडन डिसीजन ले लिया और हम भैया ने तो हिम्मत ही दे दी। भैया से सुबह मिलते हैं, सुबह यहीं से ही बाइक उठाते, बाइक दिखा देते, बिल्कुल भैया बता रहे हैं बाइक भी शायद एक दो मंथ पहले, मई जून 22 नहीं ये तो हमारे लिए कल, कल, कल फोटो डालना ना यार उस पर, ठीक है वीडियो पूरे पूरे वीडियो में आएगी ना बाइक से बता देंगे हमने खरीद ली। ठीक है भैया मैं मॉर्निंग में कॉल करता हूँ आपको, ठीक है फ्री होते ही और डन करते हैं सब, ठीक है। कैन तो हो जाएगी पेट्रोल वाली, लेकिन वो वाली कैन का क्या होगा, नहीं पेट्रोल कहाँ से होगा, पेट्रोल भाई अभी डरा दिया था मुझे एक बंदा आया कह रहा, मतलब मेरे कान में काले काम करने के लिए बोल रहा कि
मैं कहा भाई फिलहाल तो पेट दर्द हो रहा, पेट दर्द की बंटी लेने दे। अभी मेनली जो जो सामान हम घर से नहीं लाए थे, जो जो प्लान नहीं था वो सब इकट्ठा कर रहे हैं। ये तो दे दी अड़ाई दिया, अड़ा देंगे दो किंग गिव अप करके आइसक्रीम। कितने की भैया? 100 सब कुछ 100 है भाई। यहाँ 4 खा रहे, 20 खा रहे, 2 खा रहे, सब 100 है। हम रेट नहीं पहले पूछते, पहले खा लें तो महंगा वैसे हो जाए। तो अभी हम बाकी सामान इकट्ठा कर रहे हैं, रेनकोट लेना और बंजी रोप लेनी, तारकूल वाले जूते जिन में पहन के तारकूल खेल ले सड़क पर, जहाँ सड़क नहीं मिलेगी सड़क बना देंगे। चार गोल को तारकूल बतावे, हम तो बाबा के जूते गए उन्हें। अच्छा बताओ सबसे पहले फर्स्ट टाइम में मार रहे हैं किसके, सबसे पहले गेस करेंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे वापस आते तो दिखाई दे रहे हैं वहां से। सब लोग साथ में शॉपिंग कर रहे हैं और मुझे अकेला छोड़ रखा है स्ट्रीट पे। रचित यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट लगा दिया यार, थोड़ा इंटेंस लग रहा सीन। मिल गई फाइनली वो शॉप जहाँ पे पुतले ने क्या बोलना है, रेनकोट पहनने खड़े हैं। पूछ लो भाई कितने के, ये भी ना लूट ले। अगर इन्होंने मुझे प्राइस ज्यादा बता दिया तो मैं अभी यहाँ से जैसे ऐसे जा रहा ना तो मैं ऐसे शुरू हो जाऊंगा। अरे यहाँ तक ये कैसा है, ये क्या चीज है? ये पॉलिथीन है, आया था इधर, इससे थोड़ा छोटा होगा। ये उसके लिए होगा ना, सामान वगैरह के ऊपर के लिए। जैकेट है, यूज़ कर सकते हो, करना चाहते कर सकते हो, ये यूज़ है। ये ठीक है यार, कितने का है? पर इनमें ना कोई ब्लैक या ग्रे कलर होगा, इतना मतलब ब्राइट कलर नहीं चाहिए। इसमें डाई करवा देंगे। आज ठान लिया था कि मैं बार्गेन करूंगा और एक ऑक्सीमीटर लेना था मुझे एक मेडिकल स्टोर से, तो मैंने कहा कि नहीं 1200 का नहीं है, इसको 1000 का लगा लो। तो उसने मुझे भगा दिया, कह रहा रहन दो आगे से ले लो। तो अभी मॉल रोड से हम अपना काम वाम निपटा गए, खा गए, और खाना तो भाई थोड़ा बहुत ही खाया गया यार। एक तो सुबह से इतने थक रहे थे, कुछ नहीं खाया गया, कुछ भी बहुत थोड़ा थोड़ा खाया। उसके बाद जो भैया इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कहने लगे भाई लिक्विड ही पीना, ये करना वो करना, कल के लिए रेडी हो जाओ। मैं कहा चलो ठीक है, फिर वैसे ही नहीं कुछ खाया गया। तो अब बस कल की राइड के लिए एक्साइटेड है, कल एडवेंचर शुरू करते हैं भाई, कैसा जाता है कैसा नहीं, कहाँ तक जाते हैं कहाँ तक नहीं, मतलब कुछ ऐसा गारंटी रख के नहीं चल रहे हम तो। जहाँ तक हम इन्जॉय करेंगे वहाँ तक जाएंगे, मतलब कोई बॉडी भी ऐसे नहीं कि भाई फटीक के बाद भी खिंचे जा रहे। और सच बता रहा हूँ, मैं मनाली पहले आया था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, लेकिन अब मुझे दुकानदार बड़े रूड से लगे, या मैं ज्यादा रूड हो रहा हूँ या मैं ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ। लेकिन मुझे मतलब तीन दुकानदारों से मेरी बात हुई, तीनों ऐसे ही थे, लेकिन प्यार सिंह भैया तो बड़े प्यारे थे, ये थे बस एक नंबर के आदमी। और ये देखो जब हम दिन में आए थे तो सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पार्किंग में, और अब हमारी गाड़ी कहाँ गई भाई, हमारे वाली तो वहाँ खड़ी थी, हमारे रूम में आ गया वो कोई दिन को, इतना बाहर है इतना लगा दो इस रूम को भी। हमने यहाँ बोन फायर करी थी यहाँ, मेरे याद है इस जगह। हाँ तो भाई